चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है, वैसे चल रहा था। इसमें पढ़ रहे थे संयोजन संयोजन अभिक्रिया अभिक्रिया परिभाषा मैंने आपको बताई थी। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर हमने उदाहरण लिए थे, तो पहला था उज्जैन में सोने का निर्माण, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना है, इसका सामान्य नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। फ्रेंड्स बुक में क्योंकि बाय मिस्टेक से बुझा हुआ चूना लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है बिना बुझा हुआ चूना है, उसके पहले बिना शब्द और लिखने, या कह सकते हैं अनबुझा चूना, क्या कह सकते हैं अनबुझा चूना। धीरे धीरे इसमें जल मिलाया था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना का निर्माण हुआ। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे यहां कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकारक दोनों मिले और एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ निर्माण होता है। देखो यहाँ साथ के साथ जो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसलिए ये ऊष्मा सेवी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया है ऊष्मा सेवी अभिक्रिया। नंबर दो कोयले का दहन। कोयले में काला पदार्थ कार्बन जो होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन दो भी कारक हैं, दो मिलकर एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, तो कैसी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। नंबर तीन जल का निर्माण, जल का निर्माण किससे, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्वारा जल का निर्माण। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही गैस हैं, मिलकर क्या बनाती है H2O, जल का निर्माण करती है। समीकरण संतुलित होना चाहिए, इसे संतुलित कर देते हैं, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन इधर एक है दो करती है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ चार हो गई, ऊष्मा क्या है ऊर्जा का ही रूप है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा सेवी अभिक्रियाएं कहलाती है, क्या कहलाएंगी ऊष्मा सेवी। तो नेक्स्ट है ऊष्मा सेवी अभिक्रियाएं, ऊष्मा सेवी अभिक्रियाएं। तो देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ
ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा सेवी अभिक्रियाएं कहलाती है। तो देखो ऊष्मा सेवी अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। तो पहला उदाहरण क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन। अब देखो प्राकृतिक गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? प्राकृतिक गैस है। ये सब क्या है? प्राकृतिक गैसें हैं। तो हम यहाँ प्राकृतिक गैस के उदाहरण ले रहे हैं। तो प्राकृतिक गैस में पार्टिकल्स का एग्जांपल लेना मीथेन का, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कैसे भी प्राकृतिक गैस है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दूसरे से बता रहा हूँ, कोयले का जो दहन है उसमें काला पदार्थ कार्बन जलता है, और जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो CO2 उत्पन्न होती है। लेकिन प्राकृतिक गैसें जो हैं वो क्या है? हाइड्रोकार्बन, यानी कि उनमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O का निर्माण करता है। तो ध्यान रखना कार्बन अलग जल रहा है, अलग अकेले कार्बन का दहन हो रहा है, उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन यदि हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक गैसे इनका दहन कराते हैं तो वहां हाइड्रोकार्बन जब का दहन होता है अपरसन होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो देखो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सर तुम समझाओ। तो बेटा कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल टू के लिए कह रहे हो क्या? देखो कोयले का दहन, कोयले में क्या जलता है? काले रंग का पदार्थ कार्बन जलता है। कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसका दहन होता है उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, राख बनती है। क्या बनती है? राख। तो यहाँ उत्पाद जो वातावरण में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हो गए, दोनों ने अभिक्रिया की और एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, इसलिए संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन स्टूडेंट्स कार्बन का जब दहन होता है यानी कोयला जब जलता है तो CO2 के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, राख भी बनती है। तो यहाँ ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, यानी पदार्थ में ऊष्मा भी मुख्य उत्पाद एक ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ। तो यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हुई तो ऊष्मा से भी अभिक्रिया भी है। ऐसी अभिक्रिया है ऊष्मा से भी अभिक्रिया, और कार्बन का जब दहन होता है तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी CO2 बनेगी। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे मैथिल का मैंने सूत्र लिखा है CH4, तो इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। अब वायु की उपस्थिति में इसका दहन होगा तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? CO2। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? H2। क्या बनाएगा? H2। अब इसे हम संतुलित करेंगे तो देखो क्या होगा, कार्बन एक, हाइड्रोजन चार, तो ये हमने हाइड्रोजन चार। अब ऑक्सीजन इधर दो है, इधर उत्पाद की तरफ दो, और दो को इससे एक से गुणा किया दो, ये दो प्लस दो कितना हो गया? चार। तो इधर ऑक्सीजन हमने ये चार कर दिया। तो देखो हाइड्रोकार्बन का दहन हुआ तो इधर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनती है, साथ में ही और उत्पाद के साथ ही ऊष्मा भी उत्पन्न की, तो कैसी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मा से भी कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा से भी अभिक्रिया होगी। अब देखो नेक्स्ट है, सेकंड एग्जांपल है इसका सबसल। स्टूडेंट सबसल भी एक ऊष्मा से भी अभिक्रिया है। सबसल भी क्या है? ऊष्मा से भी अभिक्रिया है।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या जानते श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है क्यों समझाइए। तो देखो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है क्यों है, तो देखो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है ऊर्जा की, और ऊर्जा हमें किससे मिलती है भोजन से, ऊर्जा किससे मिलती है भोजन से मिलती है। अब देखो हम जो भोजन लेते हैं वो जटिल खाद्य पदार्थ के अणु होते हैं, हमारे शरीर में उस भोजन का पाचन होता है, और पाचन के दौरान ये बड़े खाद्य अणु जो है वो छोटे छोटे खाद्य अणु में टूट जाते हैं, अर्थात उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जैसे हम चावल आलू ब्रेड खा रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, इनमें क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब पाचन होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो इसमें था वो किसमें ग्लूकोज में बदल जाएगा। उदाहरण मैंने क्या दिया चावल आलू ब्रेड, इनमें क्या है कार्बोहाइड्रेट, पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है उससे जो है साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है, और ये प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ऊर्जा प्रदान कर रहा है यानी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इस प्रोसेस में, तो ये क्या है ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है। तो नेक्स्ट उदाहरण हो गया श्वसन का, श्वसन क्या है ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है। अब देखो सर श्वसन में क्या होने का जटिल जो पदार्थ होते हैं वो सरल अणु में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है C6H12O6, ऑक्सीजन से ये ग्लूकोज है जो कि हमें चावल आलू ब्रेड के पाचन से मिला। अब देखिए हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभी क्या करता है यदि एक फॉर्म में ये तो क्या बनेगी CO2+H2O+ ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सबसे क्या है कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इसमें, इसलिए कैसी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये भी कैसी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नाम क्या ये ग्लूकोज, ग्लूकोज ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये ठीक है ऐसे CH4 का नाम क्या है मीथेन, ये ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल वाष्प है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लगाएं ये भी गैस है, ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, यानी जल नहीं है जल वाष्प है तो ये भी क्या है गैस है। इसी प्रकार घुलित अवस्था में ये भी घुलित है CO2 भी क्या हो गया इसे कह सकते क्लियर। तो सबसे भी क्या है ऊष्मा से भी अभिक्रिया है। तीसरा उदाहरण इसमें दे रखा है ऊष्मा से भी का साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियां जो है वो विघटित होकर क्या बना लेती है कंपोस्ट बना लेती है, तो ये भी क्या है इस दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये भी क्या है ऊष्मा से भी अभिक्रिया है। क्लियर है क्या होगी ऊष्मा से भी अभिक्रिया, तो अधिकांश संयोजन अभिक्रियाएं कैसी होती है ऊष्मा से भी अभिक्रियाएं होती है। क्लियर किसी को किसी तरह के कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल कर दें ताकि नेक्स्ट टॉपिक ले सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी तरह की कोई समस्या है तो पूछें बेटा, अदरवाइज डन करें ताकि आगे बढ़े। डन राहुल सैनी मोनिका गोरा डन अनिल सेवदा
फिर है साहिल सोनी, ओके ना। अब देखो नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं। संयोजन में अभिकारक टूटते हैं, उत्पाद बनते हैं। वियोजन में अभिकारक टूटते हैं और उत्पाद बनते हैं। तो वियोजन का सामान्य अर्थ क्या होता है? टूटना। और अपघटन का सामान्य अर्थ भी क्या होता है? टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया या ये कह सकते हैं क्या, अपघटन अभिक्रिया है। अब देखो परिभाषा, इसे कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक, जिनमें एकल अभिकारक ऊर्जा की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा फिर से बोल रहा हूँ, वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक ऊर्जा की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए कोई भी पदार्थ गठे लगे नहीं टूटता है, उसे तोड़ने के लिए ऊर्जा दी जाती है और जिस रूप में ऊर्जा दी जाती है उसी के आधार पर उस वियोजन का नाम रखा जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति से टूटा, वैद्युत वियोजन। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है वो प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, यानी कि यहाँ एक अभिकारक ऊर्जा की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पादनों में टूट जाता है, दो अभिक्रियाएं होती हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या कह सकते हैं अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन का सामान्य अर्थ मैंने बताया कि टूटना। इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, एक अभिकारक ऊर्जा की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पादनों में टूट जाता है, क्लियर है। अब ऊर्जा जिस रूप में दी जाती है उसी के आधार पर उस वियोजन का नाम रखा जाता है। जैसे देखो ए बी, ए बी ये ए बी है, सामान्य अभिक्रिया लेता हूं, इसको हमने ऊर्जा दी और ऊर्जा की उपस्थिति से इसमें ए प्लस बी में टूट गया, ये ए बी। तो देखो यहाँ ए का भी कारण था दो उत्पादनों में टूट गया, वैसे अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, क्लियर। जैसे देखो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया परिभाषा में कोई चेंज नहीं है, ऐसी रासायनिक की जगह कुछ ऊर्जा के रूप का नाम आ गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, क्लियर। क्या कहलाएगी, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है।
तो ये क्या हो गई ऑक्सीजन अपघटन अभिक्रिया। तो देखो यहां लेते हैं फेरस सल्फेट FeSO4 7H2। अब इसके जो ये 7H2 है, सात जो जल के अणु है, ये क्रिस्टलन जल है। ये क्या है? क्रिस्टलन जल है। कौन सा जल है? क्रिस्टलन जल है। अब देखो ये क्रिस्टलन जल क्रिस्टलन जल आप प्रश्न होता है क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? लवण के इकाई सूत्र में, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित निश्चित जल अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट में 7 अणु क्रिस्टलन जल है, कॉपर सल्फेट में 5 अणु क्रिस्टलन जल पाए जाते हैं, ऐसे ही पिटकरी में जो है 24 अणु क्रिस्टलन जल के पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ इसको ऊष्मा देंगे, ये जो फेरस सल्फेट है इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, हरा रंग। इनका रंग कैसा होगा? हरा। ये क्रिस्टल हरे रंग के होते हैं, लेकिन हम इसे ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? निर्जल फेरस सल्फेट बन जाता है। ये जल क्रिस्टलन जल अलग हो जाता है। ये जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट ये निर्जल है और इसकी क्रिस्टल कैसे हो जाते हैं? सफेद सफेद रंग से हो जाते हैं। अब हम इसे और ऊष्मा देते हैं, अधिक ताप देते हैं, FeSO4 नाम है फेरस सल्फेट, हमने इसे और ऊष्मा दी, पहले क्रिस्टल जल हटा, फेरस सल्फेट बना, और गर्म किया हमने इसे, तो क्या होगा बेटा? यहां पर जो है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। भाई फेरस सल्फेट को और गर्म किया तो क्या बना? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता। यहां फेरस सल्फेट सॉलिड है, फेरिक ऑक्साइड जो है वो भी सॉलिड है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है? यहाँ गैस है। अब रासायनिक समीकरण तो देखो, मैंने आपको बताया होगा जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह कुछ अभिलक्षण प्रदर्शित करती है। फेरस सल्फेट हरे रंग का था और जो फेरिक ऑक्साइड बना ये कैसे रहता है? भूरा कैसे रहता है? पूरे रंग का हो जाता है। तो आप बता सकते हो कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा विलक्षण प्रदर्शित हुआ है? रंग में परिवर्तन। कौन सा हुआ है? रंग में परिवर्तन, ठीक है। अब देखो बोर्ड पे मैंने फेरस सल्फेट के नियोजन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख रखा है। क्या आप बता सकते हैं ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड चेक करें। किसी का भी आंसर नहीं है बेटा कि फेरस सल्फेट के नियोजन का रासायनिक समीकरण बोर्ड पे लिखा हुआ है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड में से एक आंसर होगा अनबैलेंस्ड। अन्य लिखा चलो कोई बात नहीं, मोनिका ने आंसर दिया है ना, चार अनबैलेंस्ड, ठीक है बेटा। और कोई अनबैलेंस का अर्थ है असंतुलित और बैलेंस का अर्थ है संतुलित। ये अनबैलेंस यहाँ देखो आयरन का एक परमाणु है, यहाँ आयरन के दो परमाणु है, ये कैसा है? अनबैलेंस रासायनिक समीकरण है।
राउस एंड इंडिबियंस दिया है बैलेंस ऑफ इम्प्लांट्स। तो अब इसे हम बैलेंस करते हैं, यहां एवन एक है यहां दो, तो इसके पहले दो लगा देते हैं। अब देखो ये दो इस सल्फर से भी गुणा हुआ है, सल्फर दो हो गए, इधर भी एक और एक दो हो गए, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन से भी गुणा हुआ, दो को चार से गुणा किया, आठ हो गए। तो इधर ऑक्सीजन तीन और दो पांच और तीन आठ, यानी कि अब ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। देखो इस अभी की क्या पड़े क्रिया के आप दिया हुआ है आपके, एक कार्बन नली लेते हैं, क्या लेते हैं कार्बन नली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब भी होती है पतली होती है, उसे बर्नर पे गर्म करते हैं, उसे क्या करते हैं बर्नर पे गर्म करते हैं। परख नली कार्बन नली ली, उसमें क्या डाला, क्या डाला हमने फेरस सल्फेट की क्रिस्टल डालते हैं, और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डालकर उसे बर्नर पर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। तो पहले तो क्या क्रिस्टल जल अलग होगा और ये क्रिस्टल श्वेत दिखाई देने लगते हैं। क्रिस्टल कैसे दिखाई देने लगे, पहले हरे थे अब कैसे दिखाई दे रहे हरे, फिर हमने इसे और गर्म किया, और गर्म किया तो इसमें भूरे रंग का पदार्थ हमें दिखाई देता है, ऑक्साइड, ठीक है। क्या दिखाई देता है, भूरे रंग का पदार्थ फेरिक ऑक्साइड, और कुछ जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है निकलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ भूरे रंग का पदार्थ फेरिक ऑक्साइड निकलती हुई दिखाई देता है, यानी कि फेरस सल्फेट जो है वो ऊष्मा के प्रभाव से फेरिक ऑक्साइड जो कि ठोस है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो भी गैस है में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ एक अभिसार छोटे छोटे उत्पादनों में टूट गया, किसकी उपस्थिति से, ऊष्मा की उपस्थिति से, एक कैसा वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन है। एनी डाउट, किसी को कोई समस्या है? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें आप घटन का ही लेंगे, यहां हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट पर सेकंड लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि सॉलिड है, ऊष्मा दी से यानी कि गर्म किया, क्या बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहां बनते। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट यहां बना, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो गर्म करने पर क्या कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। तो एक अभी कारण था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो उत्पादों में टूट गया, तो ये क्या हुआ वियोजन, किसकी उपस्थिति से हुआ ऊष्मा की, तो ये कैसा वियोजन हुआ ऊष्मीय वियोजन, कैसा वियोजन होगा ऊष्मीय वियोजन। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते, क्या कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर थ्री लेड नाइट्रेट, नाम लिखे होंगे इनके लिए कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेड नाइट्रेट लेते हैं, सॉलिड है ये, इसे गर्म करते हैं, ताप देते हैं, ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है लेड मोनोऑक्साइड, क्या बनता है लेड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस यहां बनती है। अब देखो लेड नाइट्रेट को गर्म किया, एक कप में ले उसमें लेड नाइट्रेट डालते हैं, फिर उसे बर्नर पे गर्म करते हैं, तो हमें उसमें से पूरे रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। अब भूरे रंग का धुआं क्यों बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बन रहा है
जिसके कारण से पूरे रक्त का धुआं यहां निकलता है। अब रासायनिक समीकरण कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। लेड एक है, एक है, नाइट्रेट आयन इधर दो है, इधर एक, इसको दो दो यहां दो लगाओ, ये भी दो हो गया, लेड दो हो गए, दो नाइट्रोजन इस दो से गुणा होगा, ये दो हो गए, फिर ये इस दो से गुणा होगा, ये चार, तो यहाँ पे क्या लगेगा, चार, क्या लगा दिया यहाँ, चार, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया आपने, चार नाइट्रोजन, चार ऑक्सीजन, पहले इससे गुणा होंगे दो दिया छह, फिर इस छह से गुणा होंगे दो से, तो कितना हो गया बारह, तो यहाँ देखते हैं दो और ये चार, आठ दस और दो बारह। अब ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। अब ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। तो ये हो गया इसके ऊष्मीय अपघटन के उदाहरण, इसके उदाहरण में ऊष्मीय अपघटन के उदाहरण। अब लेते हैं नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश अपघटन अभी किमियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति से, प्रकाश की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पादनों में टूट जाता है, प्रकाश की अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसका सीधा सा उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो कि श्वेत रंग का होता है, एक चाइना बिस्किट में उसमें सिल्वर क्लोराइड डालते हैं जो कि सफेद रंग का है, और उसे कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, कुछ घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, और उसके बाद क्या देखते हैं उसमें, उसका रंग बदल जाता है, श्वेत से दूसरा रंग का हो जाता है, ग्रे रंग का हो जाता है, व्हाइट का ग्रे हो जाता है, यानी रंग में परिवर्तन हुआ, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया भी और सिल्वर क्लोराइड का रंग बदल जाता, ऐसा क्यों हुआ, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश उपस्थिति में रखने से सूर्य के प्रकाश में, तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में अपघटित हो जाता, इसमें टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता, यहाँ दो लगा दिए और यहाँ पे भी क्या लगा दिए दो, तो ये सिल्वर बन गया, यहाँ पे क्या बन गया सिल्वर, तो ये सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश उपस्थिति में रखा सिल्वर और क्लोरीन, यानी क्लोरीन गैस उसमें से बाहर निकल जाती है धूप में रखने पर, जिससे उसका रंग कैसा हो जाता है ग्रे, यानी धूसर हो जाता है। इसी प्रकार देखो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में रखते हैं, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता, टूट जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, ब्रोमीन गैस से निष्कासित हो जाती है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये हो गया क्या आपके प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, क्लियर है, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है यहाँ पर तो पूछे, और यदि कोई समस्या नहीं है तो डन करते हैं इसे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मोनिका गोरा डन, राहुल सैनी डन, अब देखो नेक्स्ट चैप्टर आपके वैद्युत अपघटन, क्या है वैद्युत अपघटन, तो देखो वैद्युत अपघटन परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक विद्युत की उपस्थिति से छोटे छोटे
उत्पादन में टूट जाता है वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें एक उदाहरण आपके दिया हुआ है, इसकी एक्टिविटी भी दे रखी है, क्रियाकलाप दे रखा है और उस क्रियाकलाप पर प्रश्न भी पूछा जाता है, उसकी विधि पूछी जाती है। पूरी क्वेश्चन आता है जल वैद्युत अपघटन की जो है विधि सचित्र समझाइए, पूरा पूछा जाता है। तो जल का वैद्युत अपघटन होता है, जल किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब जब विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो देखो जल का जो वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं जो दी हुई है इसमें उदाहरण डेल्टा है, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब यदि आप